अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी गठित की गई, जिसकी आज हमने प्रथम बैठक की है। मैं समझती हूँ बैठक में सभी माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, किस तरह से आज के इस युग में मीडिया कम्युनिकेशन को हमको नीचे स्तर तक लेकर जाना है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो लगातार झूठों की पार्टी बनती जा रही है, जिनकी परिवर्तन यात्रा एक फ्लॉप शो घोषित हो रहा है। पहले आक्रोश रैलियाँ फ्लॉप हुई, अब परिवर्तन यात्राएं फ्लॉप हो रही हैं। तो हमारे सभी साथियों का सुझाव है कि हम सब लोग निचले स्तर तक, ब्लॉक लेवल तक, जिला लेवल तक इन तमाम मुद्दों को लेकर जाएं और एक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन तमाम सेक्टरों पे चुनावी के दृष्टिकोण हम किस तरह से और आगे काम करें, किस तरह से हमारी सरकार के द्वारा जो महंगाई राहत कैंप चलाए गए, जो जनता के हित में सतत रूप से कार्य किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की लगातार ये अभिलाषा है कि राजस्थान की जनता को इस महंगाई के इस युग में राहत प्रदान कर पाए। जिस तरह से हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सामान्य डोटासरा जी ने लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग चुनाव की नज़दीक जा रहे हैं और मीडिया कम्युनिकेशन कमेटी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हम सब लोगों ने बहुत अपने सुझाव साझा किए हैं और मैं समझती हूँ ये कमेटी चुनाव के अंदर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कमेटी साबित होगी। देखिए, ज्योति मिर्जा जी तो 5 साल से सक्रिय नहीं थी, हमने तो कभी उनको पार्टी के किसी प्रोग्राम में देखा ही नहीं था। अब उनके अंदर क्या चल रहा होगा लगातार, क्योंकि अगर वो पार्टी के अंदर काम करती तो 5 साल में नज़र आती। पार्टी ने बहुत कार्य किए, सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई, हर ज़िलों के अंदर महत्वपूर्ण कार्य किए, हर ज़िलों के अंदर विकास की कड़ी से जोड़ा, तो मुझे तो वो नागौर में भी कभी नज़र नहीं आई। तो इसलिए ज्योति जी के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, वो निष्क्रिय थी पिछले 5 साल से। देखिए, आप ये मानिए कि जो भी साथी जा रहे हैं ये उनका इंडिविजुअल निर्णय है, लेकिन वो एक जब चुनाव आएंगे उस समय वो पछताएंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए, एक ऐसी पार्टी को जो राजस्थान की जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है, एक ऐसी सरकार जो राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की सहानुभूति ले चुकी है, एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी जो जन जन तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने का प्रयास करी, वो लोग बहुत पछताएंगे बाद में। चुनाव आते आते ये बगावती दौर शुरू कैसे हो जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी का एक फितरत है कि इधर से लाओ उधर से लाओ, यहाँ राजस्थान के अंदर भी, वो पूरे देश के अंदर आप देखिए, उनकी ये फितरत है कि लोगों को तोड़ो, तोड़ मरोड़ के अपनी तरफ ला के माहौल बनाओ। लेकिन कांग्रेस का सच्चा सिपाही राजस्थान में 2023 की सरकार लाने में अग्रिम भूमिका निभा रहा है, अग्रसर हो रहा है और हमारा ब्लॉक लेवल, हमारे मंडल लेवल, हमारा पंचायत लेवल, हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार लाने के लिए खड़ा है। देखिए, बीजेपी तो किसी भी मुद्दे को हाईलाइट कर सकती है और बीजेपी का तो काम ही ये रह गया कि लड़ाई कैसे करवाएं, झगड़े कैसे पैदा कराएं, क्योंकि और तो उनके पास में कुछ बन नहीं रहा। परिवर्तन यात्राओं में 200-300 लोग नहीं आ रहे, उनके यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं आपस में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनकी लड़ाइयाँ हो गई, मैंने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम, आप सब साथियों के माध्यम से देखा। तो जब उनके पास अब कुछ नहीं बच रहा, बड़ों का सम्मान करने का उनका जो नेचर है वो बदल चुका है। आज आडवाणी जी जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक एक तरह से कहे जाएंगे, फाउंडर जो व्यक्ति कहे जाएंगे, वो दरकिनार करे जा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी दरकिनार करे जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर अगर उन्होंने कैलाश मेघवाल जी को दरकिनार किया तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं, क्योंकि उनकी फितरत आ चुकी है, वो यूज़ एंड थ्रो की भावना रखते हैं। मैं समझती हूँ न सिर्फ दलित, सभी वर्गों के लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस की रीति नीति को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस की जन भावना पर आधारित कार्यों को पसंद कर रहे हैं। सभी समाज, सभी वर्ग, गरीब, अमीर, दलित, जनजाति, आदिवासी, स्वर्ण वर्ग, तमाम वर्ग जो राजस्थान के अंदर रहता है, जिसको राजस्थान की सरकार ने दिल से लगाने का प्रयास किया, गले लगाने का प्रयास किया, उनकी समस्याओं में मजबूती के साथ खड़े रहने का प्रयास किया, उनके कितने विषम परिस्थितियों में, बड़ी बड़ी बीमारियों में सरकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ मिले, मैं समझती हूँ हर वर्ग राजस्थान को आने वाले समय में सरकार पुनः लाने का प्रयास करेगा। नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्या कांग्रेस पार्टी अनुमान लेने वाले के साथ गठबंधन करके करेगी?
देखिए क्या क्या नुकसान हुआ है, मैं आपसे कह रही हूँ कि 5 साल में तो वो सक्रिय नहीं थी, तो सक्रिय नहीं थी तो उनका नुकसान और फायदे की बात मैं कर ही नहीं सकती। धन्यवाद बहुत बहुत। जय बाबा की।